जब तक सूरज चांद रहेगा आरसीबी तेरा नाम रहेगा। अगर 1% भी चांस हुआ आरसीबी को क्वालिफाई करवाने का तो हम उसके ट्रू फैन उसको क्वालिफाई करवा के रहेंगे। आज है डू एंड डाई, अगर आज हार गए तो फिर कल को ना कहना कि हमने कोशिश नहीं की थी, हमारे से कहते हैं गलती होगी, ये हो गया वो हो गया। आज है लास्ट चांस, जो 5% आरसीबी का क्वालिफिकेशन सिनेरियो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आरसीबी कैसे क्वालिफाई कर सकती है, लेकिन उसके लिए इनको अब जीतना है। और अब खाली आज का नहीं, अब अगले सारे के सारे मैचेस जीतने हैं आरसीबी को। कैसे वो पूरी की पूरी कहानी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो, दिस इज वलीद रऊफ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, वीडियो को भी लाइक कर ले। सबसे पहले बात करते हैं पाक वर्सेस न्यूजीलैंड के चौथे T20 मैच की, जो कि आज खेला जाएगा लाहौर के अंदर कजाफी स्टेडियम के अंदर, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि 3 से 4 चेंजेस मतवक्को है। मोहम्मद आमिर का कमबैक होगा, दोबारा से इमाद वसीम टीम के अंदर आएंगे, इसी के साथ साथ फकर जमान भी खेलेंगे। रिजवान और आपके इरफान खान नियाजी रूल आउट हो चुके हुए सीरीज से, मोहम्मद रिजवान डाउटफुल है वर्ल्ड कप के लिए भी क्योंकि उनको इंजरी खतरनाक हो गई है। लेकिन मोहम्मद रिजवान की जो अपडेट है वो ये है कि 60% डाउटफुल है इंग्लैंड वाली सीरीज के लिए, लेकिन उसके बाद ये रिकवर कर जाएंगे और वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल होंगे, तो वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल होंगे। अलबत्ता इंग्लैंड वाली सीरीज के लिए डाउटफुल है मोहम्मद रिजवान। इसी के साथ साथ पाक वर्सेज न्यूजीलैंड का जो आज मैच है, इस मैच में तो नहीं लेकिन जो अगला मैच है ना, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है वो आज पाकिस्तान इस्लामाबाद में पहुंच जाएगी। 5वें T20 मैच जो कि सैटरडे को होना है, उसके अंदर जो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी होगी ना, उसकी रहनुमाई की जाएगी कजाफी स्टेडियम के अंदर, लोग उसको देख सकेंगे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को। तो ये होगी अभी तक की अपडेट पाक वर्सेस न्यूजीलैंड की। पाक वर्सेस न्यूजीलैंड का जो आज का मैच है, आप देखेंगे पाकिस्तान किस तरीके से फेंटा लगाएगा न्यूजीलैंड को। एक मैच तो ये लोग हारे हैं ना, अब ये बड़े अच्छे तरीके से कमबैक करेंगे। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो भाई जो आरसीबी है, आज सनराइजर हैदराबाद वर्सेज आरसीबी का मैच, सनराइजर हैदराबाद अपने घर के अंदर खेल रहा है। लास्ट टाइम इनके खिलाफ बड़ा इन्होंने मारा था आरसीबी को, बड़ा ही रन मारे, इतने रन मारे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, लेकिन आरसीबी ने भी कमबैक किया था और अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाई थी। क्या आरसीबी आज जीत जाएगी? देखिए आरसीबी के लिए जीतना जरूरी है। आज अगर प्लेयर्स की बात करें एक्स फैक्टर प्लेयर्स की, तो उसमें ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लॉसन, अभिषेक शर्मा, ये 3 नाम आपको मेरी नजर में नजर आएंगे। दूसरी तरफ से अगर बात करें आरसीबी की, दिनेश कार्तिक, विराट कोहली एंड इसी के साथ साथ अगर मैं जी एक फॉरेन प्लेयर चूज करना हो तो फिर मैं फैफ डू प्लेसी को चूज करूंगा, क्योंकि बाकी तो इनके चल ही नहीं रहे। और इसी के साथ साथ विल जैक्स का भी एक नाम आप रख सकते हैं, विल जैक्स भी अच्छा प्लेयर है। तो अलबत्ता ये प्लेयर्स इंपैक्ट डालें क्योंकि आज बैटिंग भी चलनी है, लेकिन जीतेगा कौन? जीतेगा आरसीबी, साफ सी बात है आरसीबी जीतेगा। लगातार 6 ये लोग मैच हार चुके हुए, 7 वैसे हार चुके हुए हैं, ये ऐसा कभी भी नहीं हुआ आरसीबी के साथ, इतना बुरा टाइम कभी भी नहीं आरसीबी के ऊपर देखा। लेकिन हमने देखा हुआ इससे पहले भी आईपीएल के अंदर कि मुंबई इंडियंस ने आखिरी 5 मैचेस जीत के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करके ट्रॉफी जीत ली थी, अपना पहला सीजन जो इन्होंने आईपीएल का जीता था। तो वाई नॉट आरसीबी, ये दे कैन स्टिल क्वालिफाई। कैसे करेंगे? कुदरत का निजाम यहाँ पे चाहिए। कुदरत का निजाम क्या कहता है? कुदरत का निजाम ये कहता है कि आरसीबी अपने 6 के 6 मैचेस जीते, इनके 14 पॉइंट्स हो जाएंगे, उसी के साथ साथ बाकी टीमें 6 मैचेस अपने हारेंगी भी, जो बाकी अलग अलग टीम होगी। इसी के साथ साथ कुदरत का निजाम ये कहता है राजस्थान रॉयल्स जो है ना, वो आरसीबी से अपना मैच हार जाए, बाकी सारी टीमों से जीत जाए, क्वालिफाई कर जाए, चले जाए 20-25 पॉइंट अपने वो लेके चले जाए। दूसरी तरफ केकेआर जो है उनके भी 10 पॉइंट है, चलें वो भी अपने मैचेस जीते, स्पेशली उनका जो मैच है लखनऊ वाला और सनराइजर हैदराबाद वाला, वो तो लास्ट में वो लोग जीते ना। अलबत्ता कुदरत का निजाम ये कहता है कि लखनऊ और जो सनराइजर हैदराबाद है ना, और CSK, ये जो 3 टीमें हैं, ये 12 पॉइंट से ऊपर ना जाए, और अगर 12 से ऊपर चली भी गई तो 14 पॉइंट से ऊपर ना जाए, क्योंकि 14 पॉइंट पे आरसीबी अपना फिनिश करेगी अगर सारे मैचेस जीतती है। तो कुदरत के निजाम के मुताबिक लखनऊ, सनराइजर हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, गुजरात, ये सारी की सारी टीमें 14 पॉइंट के ऊपर ना जाए, 14 पॉइंट से तो नीचे रहे, तो 14 पॉइंट्स के ऊपर फिर आरसीबी के क्वालिफाई होने की कहानी बनती है। तो इसके लिए दुआ ये करनी पड़नी है आरसीबी अपने मैचेस जीते, राजस्थान भी अपने मैचेस जीते सिवाय आरसीबी वाला, KKR भी अपने मैचेस जीते सिवाय आरसीबी वाला। तो ये कहानी आ रही कुदरत के निजाम की। अब आपने बताना है कि आपको उम्मीद है आरसीबी क्वालिफाई कर देगा? देखिए मुझे तो पूरी उम्मीद है और मुझे पूरा यकीन है कि आरसीबी क्वालिफाई करेगा।